यहाँ पर आज बड़ी खुशी की बात है, पूर्ण महाराष्ट्र से, बंबई से और इतर शहर से महाराजा सूर्यदेव जी की जयंती पर सूर्यदेव में ये मेरे ख्याल से एकमात्र प्रोग्राम बीरंट में इधर मनाया जाता है, ये दूसरा साल है। आप सभी को यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे वार्ड के सम्मानीय लाड़के नगर सेवक यशवंत डावरे जी और राजभर समाज के सभी पदाधिकारी सामने बैठे हुए मेरे सभी भाई और बहनों, आज का दिन है राजा सुहेलदेव जिनके वंश से ये राजभर समाज है और उसका हमें अभिमान है कि हम उस वंश से है, इसके लिए आज यहाँ पर जिंदा है। इतिहास में देखा जाए तो राजा सुहेलदेव उनकी पराक्रमी की जो गाथाएं थी, कथाएं थी, आज उनका दिन है तो उनके लिए मैं एक दो मिनट आपके सामने रखूंगा। भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में राष्ट्रवीर प्रधान महाराजा सुहेलदेव जी, इनका जन्म श्रावस्ती में वसंत पंचमी के दिन राजा बिहारीमल राजभर के यहाँ उनका जन्म हुआ। उनकी माता जी का नाम था जयलक्ष्मी, जो चंद्रदेवी वंश से क्षत्रानी थी। जब भी उनका जन्म हुआ उसके बाद राजा ने, उसके पिता ने यह ऐलान किया, जब सूर्यदेव महाराज 18 साल के हो गए तो उनका राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया और उस 18 साल में उनका राज्याभिषेक किया और उस दौरान उनका राज्याभिषेक होने के बाद उनका राज्याभिषेक 1027 साल में हो गया। राज्याभिषेक होने के बाद उनको श्रावस्ती का सम्राट ये उपाधि दी गई। श्रावस्ती के सम्राट होने के बाद उन्होंने अपना जो कार्यकाल था और अपना जो क्षेत्र था, महाराजा सूर्यदेव ने अपने काल में उत्तर नेपाल से लेके कौशाम्बी तक, उसके बाद जहां तक मुझे मैंने पढ़ा हूं उत्तर नेपाल से लेके कौशाम्बी तक और पूरब से लेके वैशाली तक और आगे पश्चिम से लेके गढ़वाल तक उन्होंने अपना विस्तार किया राज्य का। आगे जाके कुछ विदेशी जो मुगल थे उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण करना चालू किया। जो हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं का जो सोना चांदी खजाना था उसको लूटने के लिए हिंदू देश में आ गए और बड़े बड़े राजे महाराजे उनके सामने, वो सैयद सरदार और मशहूर काजी जिसके सामने सब वीरों ने घुटने टेक दिए। उसके बाद धीरे धीरे वो भारत के ऊपर चढ़ाई करते करते राजा सूर्यदेव के सामने युद्ध करने के लिए उसने प्रण ले लिया। जैसे उन्होंने प्रण लिया कि मैं राजा सूर्यदेव के साथ लड़ाई करूंगा, तो उन्होंने आजू बाजू के सभी राजाओं को पत्र लिखा कि मैं अकेला इससे लड़ने जा रहा हूं, अगर आप में दम है तो आप भी मेरे साथ में आइए, नहीं तो मेरे साथ ही लड़ूंगा। उसके बाद राजा निकल गए दोनों हाथों में तलवार लेके। सैयद काजी बहराइच में आके नानपाड़ा क्षेत्र में महायुद्ध हो गया। उस नानपाड़ा क्षेत्र में सैयद काजी 1,20,000 सैनिक लेके आया था और राजा अकेले थे और उसके छोटी मोटी सेना थी। 1,20,000 सेना को एक एक करके खुदर कर रख दिया राजा सूर्यदेव ने। उसके बाद अपनी जान बचाते सैयद काजी वहां से युद्ध से भाग निकला, लेकिन राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सैयद काजी कुटेली नदी, कुटला नदी के किनारे वो गुफा में छुप गया और उसका पीछा करते करते
सूर्यदेव महाराज उसके यहाँ तक पहुंचे, उस कुटा से उसको बाहर निकले और सन 1033 में उसका वध कर दिया, उसको मौत के घाट उतारा। उसके बाद पूर्ण राज्य इसका वध करके राजा सूर्यदेव ने राष्ट्र धर्म समाज और नारियों का सम्मान करके अपनी संस्कृति की रक्षा की। तो ऐसे महाराज की जयंती है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। और आप लोगों ने यहाँ पर मुझे बुलाया, सम्मान दिया और बड़ी खुशी की बात है, आज पूरा राजभर समाज एकत्रित आया है और ऐसे ही एकत्रित रहे और अपनी संगठन बनाए रहे। जय जय महाराज।